और इस प्रकार से स्मरण करने का दिव्य प्रभाव ये है कि वैदिक सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार कोई भी ऐसा व्रत, कोई भी ऐसा पर्व, त्यौहार, उत्सव नहीं है जो सविधि सश्रद्धा युक्त होकर दरबार में न मनाया जाए। अब इसमें केवल एक ये बात होती कि हम तो केवल दादाजी को ही मानते हैं, बाकी और किसी को नहीं, तो ये कचाई होती है। और कोई दूसरा है ही नहीं तो और किसी को नहीं, ये बात कहां से आई? यदि आपकी बुद्धि दूसरे किसी को स्वीकार करती है तो आपकी बुद्धि में द्वैत है, आपको सर्वत्र दादाजी का अनुभव कहाँ हुआ? और यदि आपकी गुरु निष्ठा परिपक्व है तो आपको राम, कृष्ण, दुर्गा, भगवती, शिव, गणपति, सूर्य सब गुरु तत्व के रूप में दिखाई पड़ेंगे। और जब इस रूप में दिखाई पड़ेंगे तब किसी देवी देवता की उपेक्षा, किसी देवी देवता की निंदा, किसी भी देवी देवता का विरोध संभव नहीं होगा। वस्तुतः बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये नर रूप में हरि है, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। हमको ऐसा लगता है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, कि जिस जीव का अंतिम जन्म होने को होता है उसी के भीतर यह विश्वास दृढ़ होता है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, और इस विश्वास के दृढ़ होते ही वो मुक्त हो जाता है।